अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मुजफ्फर अली कादरी, आप देख रहे हैं कादरी देसी दवा खाना। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप सब लोग खैर वाफ़ी से होंगे और हमारे चैनल की वीडियो से फ़ायदा भी हासिल कर रहे होंगे। नाज़रीन, ये सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में पानी की कमी की वजह से अक्सर लोगों के अंदर कमज़ोरी हो जाती है, तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसे हर मिजाज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उनका मिजाज गर्म हो, खुश्क हो या तर हो, सब मिजाज के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा साबित होगा और बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, आप घर पे आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, लाजवाब और ताकत से भरपूर नुस्खा होगा और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये होगी कि ये आपकी सेहत भी बनाएगा, दिमाग कमज़ोर है उसे भी एक्टिव और ताकतवर कर देगा, जिस्म कमज़ोर है उसे भी ताकतवर बनाएगा, हड्डियों को फौलाद कर देगा, कैल्शियम को बढ़ाएगा। ये समझ लीजिए बहुत ही जानदार ये नुस्खा होगा आज का, आप इसे बनाएं और इंशाअल्लाह इसके फ़ायदे से हमें ज़रूर आगाह करें। तो नाज़रीन, मैंने आपको बता दिया ये जो आज का नुस्खा है इसे हर मिजाज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे मैं आपको और बता दूँ, देखिए मेरे पास में जो लोग फ़ोन करते हैं सिर्फ वीडियो का टाइटल देख के फिर मेरे पास फ़ोन खटखटाएंगे कि आपने क्या नुस्खा बताया था, तो देखिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पूरी वीडियो देख लिया करें, मैं पूरी तरकीब और सारी जो दवाइयाँ पड़ती सब वीडियो के अंदर बताता हूँ, आप मुझसे इस तरह फ़ोन ना किया करें कि आपने क्या बताया है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नाज़रीन आज के नुस्खे की तरफ। नुस्खे में सिर्फ आपको चार पांच चीज़ें लेनी होती है, चार पांच चीज़ों से ही नुस्खा तैयार हो जाएगा और ये हर इलाकों में मिलने वाली चीज़ें हैं, ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे मिले और कहीं ना मिले, हर जगह मिल जाती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, ये जो आज का नुस्खा होगा ये लड्डू बनाने का है, लड्डू बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे इसके, तो ये पाउडर वगैरह बना के नहीं रखना है, ना ही माजून बनाना है, लड्डू बना के रखना है। तो उस लड्डू में जो तीन चार चीज़ें पड़ेंगी वो आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आपको लेना है 1 किलो खरबूजे की गिरी। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर खरबूजे की ना मिले तो आप तरबूज की भी ले सकते हैं और तरबूज की भी ना मिले तो आप कद्दू की भी ले सकते हैं, जो इनके जो बीज होते हैं बीज के अंदर जो गिरी होती है आपको वो लेनी है 1 किलो, 1 किलो से तैयार करना है, ये ध्यान रखना। आप चाहे तो इसे आधा आधा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1 किलो का नुस्खा बताने जा रहा हूँ, आप उसी के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो 1 किलो आपको लेनी है खरबूजे की या तरबूज की या कद्दू की गिरी। उसके बाद आपको लेना है 1/2 किलो बबूल का गोंद। ये सब मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप उसको देखते रहना कि खरबूजे की गिरी कैसी होती है और बबूल का गोंद कैसा होता है। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बबूल का गोंद है, ये आपको लेना है 1/2 किलो। और 1/2 किलो आपको लेना है मखाने की खील। मखाना एक तो बीज होता है, एक मखाने की खील होती है, तो इसकी जो खील आप देख रहे हैं इसे ही मखाना कहते हैं ज़्यादातर, यही जो है मखाना, ये आपको लेना है 1/2 किलो। ये तीनों चीज़ें आप लेके रख लें। अब आपको इसको तैयार करने का तरीका ये है कि पहले खरबूजे की और ये तरबूज की या कद्दू की जो गिरी आपने ली है तो उनको थोड़ा सा कढ़ाई के अंदर घी डालें और उसके अंदर हल्की हल्की आंच पे इसको तल लें, हल्का हल्का तलना है, ज़्यादा नहीं तलना है। उसके बाद इसको निकाल लें। अब उसमें आपको गोंद तलना है, गोंद बिल्कुल खील बन जाएगा तलते तलते, तो आपको गोंद तल के निकाल लेना है। फिर आपको मखाना तलना है, इसी तरह से मखाने की जो खील हैं वो भी निकाल ले आप। तीनों चीज़ों को अब निकाल के आप अच्छी तरह से इनको कूट पीस का बारीक पाउडर बना लें, पीस जाएगा बहुत ही बारीक हो जाएगा, पाउडर बना लें अब आप। अब आपको क्या करना है, 1/4 किलो लेनी है चीनी। 1/4 किलो चीनी की बनानी है आपको चाशनी, जिस तरह से चाशनी जो मैं कई तरीके वीडियो में बता चुका हूँ बनाने के, किस तरह से चाशनी बनती है। चाशनी जो होती है जलेबी जो तोड़ते हैं तो जिसमें डालते हैं वो चाशनी होती है। चाशनी चीनी और पानी मिला के पकाया जाता है किसी बर्तन में आग पर रखकर, और इतनी देर पकाया जाता है कि उसके अंदर चेपा बनने लगे, यानी कि तार बनने लगे, तो समझ लेना आपकी चाशनी तैयार हो गई है। कोई मुश्किल काम नहीं होता चाशनी बनाना। जब आपकी चाशनी तैयार हो जाए तब आपने जो तीनों चीज़ों का पाउडर बनाया है वो पाउडर उसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें
और उसके अंदर 20 या 25 ग्राम सफ़ेद इलायची के बीज भी डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में जब ये ठंडा हो जाए तो ये आपका लड्डू बनाने के लिए नुस्खा हो गया तैयार। अब आप इसको 20 ग्राम या 25-25 ग्राम के लड्डू बना के रख लीजिए। अब ये जब लड्डू बना के रख लें उसके बाद में आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, ठंड का मौसम हो तो इसे किसी बर्तन में करके बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको ये एक लड्डू सुबह और एक लड्डू रात को खाली पेट खाना है, सुबह खाली पेट और रात को सोते वक्त खाना है। उसके बाद में आप दूध पी लें एक गिलास, इसी तरह से आप खाते रहिए। इंशाअल्लाह आपकी जो कमज़ोरी है, गारंटी के साथ कहता हूँ, इंशाअल्लाह कमज़ोरी आपकी कोसों दूर भाग जाएगी। हड्डियों में दर्द होता है, कमर में दर्द है, जोड़ों का दर्द है, दिमाग कमज़ोर है और वीर्य पतला हो गया, ये सब में काम आएगा। हर मिजाज का व्यक्ति और लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुझसे कमेंट में ना पूछे इसको कौन इस्तेमाल कर सकता है, तो मैं इसमें सबके लिए छूट दे रहा हूँ, इसे सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नुस्खा मोतदिल मिजाज रखता है। हाँ, अगर किसी को ये एक लड्डू हज़म ना होता हो तो इसे आधा भी खा सकते हैं। कुछ लोगों का जो मिजाज होता है तो वो हज़म नहीं कर पाते हैं, तो इसे आधा लड्डू खा के पहले शुरुआत करें वो, और अगर जिनको हज़म हो जाता है, हाजमा जिनका ठीक है, तो वो उसे दो लड्डू भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दो सुबह दो रात को भी खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाबी नुस्खा है आज का, तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन नुस्खा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक करना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास आसानी से पहुँचता रहे। तो आज के लिए इतना ही नाज़रीन, चलते हैं फिर हाज़िर होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।